Red. क्या था ये? So, मैंने <laughs> Hi guys, तो ये बिल्कुल संस्कारी हॉल नहीं होने वाला है इस वीडियो के अंदर ऑब्वियसली आप लोगों ने थंबनेल देख लिया कि क्या क्या हो सकता है सच बोलू तो मेरा कुछ ऐसा मन नहीं था कि मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ लेकिन मैं जब भी इनको पहनती हूँ ना मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं कि मैंने इनको कहाँ से खरीदा है तो बेसिकली ये है लेस बॉडी सूट जो की मेरे पास दो है एक्चुअली दो से ज्यादा थे एक डिफेक्टेड आया था तो मुझे रिटर्न करना पड़ा था और जब भी मैं इनको पहनती हूँ मुझे हमेशा कमेंट्स आते हैं कि मैंने इन्हें कहाँ से खरीदा है प्लीज बता दू बाहर पहनने लायक नहीं थे ये लॉन्जरी पीस थे जिनको मैंने बनाया है कि मैं इन्हें बाहर पहन सकती हूँ मैंने इनपे न्यूड कलर का ये फेब्रिक ग्लू से पेस्ट कर दिया था क्लोदिंग पीस और उसके बाद मैं इनको बाहर पहन लेती हूँ क्योंकि उसके बाद जो चीज़ नहीं ढकनी चाहिए वो ढक जाती है और मुझे पता है मुझे कहाँ पहन के जाना है तो मैं ऐसे ही कहीं भी इनको पहन के नहीं जाती हूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है आप में से काफी लोगों को पसंद है तो मैंने कुछ पर्सनली अपने इस टाइप की चीजें और भी मंगाई हैं तो जिनको मैं आज दिखाने वाली हूँ तो ये बहुत ही वियर्ड रेंडम हॉल होने वाला है प्लस आपको थोड़ा आइडिया भी मिल जाएगा अगर आप भी इस टाइप के बॉडी सूट पहनना चाहते हो और आप कंफ्यूज रहते हो कि कैसे पहने इतने सी थ्रू होते हैं तो यू जस्ट नीड टू पेस्ट समथिंग यहाँ पे पेस्ट करना चाहिए था सेट स्टार्ट दिस वीडियो तो मैं ये लेस बॉडी सूट खरीदती हूँ ये मैं अर्बेनिक से खरीदती हूँ पार्सल मुझे रिसीव हो चुका है दिस बॉय ऐसा लग रहा है मैं वो होता नहीं पर्ची निकाल रू क्या मिलेगा क्या मिलेगा तो ये है फर्स्ट आइटम <laughs> मुझे लगा नहीं था ये इतना छोटा होगा भी। ये तो लिटरली कुछ भी ये तो लिटरली बहुत छोटा है तो ये है इसकी थोंग और तो कुछ ज्यादा ही छोटा है जो लोग ये सोच के आए कि मैं इनको पहन के दिखाने वाली तो मैं पहन के नहीं दिखाऊंगी <coughs> बता सकती हूँ कि कैसे है कंफर्टेबल है नहीं है पर पहन के नहीं दिखाऊंगी तो ये इसके साथ है थोंग लेस इट इट इज इज व्हाट तो ये लेस ब्रा है जो कि बहुत ही ज्यादा कैसे इसकी फोटोग्राफ कुछ इस तरह से जो कंफ्यूज हो रहा होगा कि एक्चुअल में है क्या अभी तो मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ क्योंकि सामने से देख के तो सीरियसली बहुत कंफ्यूजिंग है ये क्या है ये दो स्ट्रिंग्स नीचे से निकल रहे हैं दो साइड से है और ऐसा लेस थोंग थे ना जब तुम बॉडी कॉन ड्रेसेस पहनते हो तो उसमें पेंटी लाइन पेंटी लाइन दिखती रहती है तो लेस थोंग्स उसमें काम आती है और ट्रस्ट मी लेस थोंग दिखने में जितनी अनकंफर्टेबल होती है पहनने के बाद उतनी अनकंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं होती है क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ इसलिए मैंने एक और लेस थोंग मंगाई और ये बहुत यूनिक लग रहा था तो मैंने कहा लेट्स ट्राई दिस वन ओके मुझे लगा था इसके अंदर लिटरली कुछ आएगा कि ना कि सिर्फ लेस आएगी बट ये सिर्फ लेस में है एनी anyway, वे मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ तो मैंने इसको पहने बहुत कंफर्टेबल है और सही से फिट हो रही है लूज नहीं है मुझे बिल्कुल नहीं लगाता है मुझे फिट हो जाएगा बट ये मुझे एकदम सही से फिट हुआ है एंड ऑनेस्टली इसमें वो पॉप आउट वाला सीन भी नहीं हो रहा है मुझे

आपको तो कलर दिख ही नहीं रहा ये बहुत कंफ्यूजिंग है मेरे को ही देखने में समझ में नहीं आ रहा ये क्या है ये मैं बताती हूँ कुछ इस तरह का दिखता है एंड मुझे ना इसका ये लुक बहुत सही लगा था ये क्रिस क्रॉस वाला और इसमें भी क्रिस क्रॉस है और पीछे से ये वैकलेस होगा फ्रंट से आपको ये क्रिस क्रॉस में मिल जाएगा मी शो यू किसी और के ऊपर पहन के दिखा रही हूं ताकि आपको समझ में आ जाए एनी वे मुझे ये जो ऊपर का इसका है ये बहुत ज्यादा पसंद आया पर नीचे से बिल्कुल भी कम्फर्टेबल नहीं है और ना ही नीचे से ये अच्छा लग रहा है और ये जो प्रोडक्ट है ये रिटर्नेबल नहीं है ये नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट है ये तभी रिटर्न हो सकता है जब डिफेक्टेड हो अदरवाइज आप इनको रिटर्न नहीं कर सकते ये भी आपको वन साइज में मिलेगा और इसमें और भी कलर है तो चेक कर सकते हो जिनकी बॉडी कर है ये उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जिनका बॉडी शेप मेरी तरह है या मुझसे थोड़ा सा हैवी है आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो लेकिन अगर आपका कर बॉडी शेप है तो प्लीज ट्राई करना क्योंकि ये कहीं से भी फिट नहीं होगा ये ऐसा है रिटर्न नहीं कर सकती हूँ बट हाँ मैं इसको एज अ टॉप ऊपर का बहुत सही लगेगा अगर मैं इसको फिट कर लू जैसे कि मैंने वो दोनों किए थे आई नो अभी आप लोग सोच कि ये कैसे कपड़े पहन के जा सकते हैं लेकिन कुछ जगह पे आप इस टाइप के कपड़े पहन सकते हो पहले उनको भी बोला था कि आप कहाँ पहनोगे पर जैसे मैंने उनको सेट किया उसके बाद कुछ पता नहीं चलता तो जैसे आप वो कवर कर देते हो उसके बाद इतना पता नहीं चलती डी आई करने वाली हम इसके ऊपर ये भी है जस्ट टू सेवेंटी टू रूपीज में पहले अर्बेनिक पे ज्यादा अच्छे लेस बॉडीकॉन ये जो टॉप आप कह सकते हो लॉन्चरी कह सकते हो ये होते थे इस बार मैंने इतना ढूंढा बहुत मुश्किल से मिले एक तो और जो मिले हैं वो मुझे सच बताऊं जब मुझे मिले हैं तो इतने ज्यादा पसंद नहीं आ रहे हैं सो so, ये जो है ये मुझे ऊपर अपर से पसंद आया नीचे से पसंद नहीं आया तो अगर आपको ये दिख रहा है और आप खरीदना चाहते हो तो इसको बिल्कुल मत खरीदना कि ये बिल्कुल भी इट नहीं है ये सच में अच्छा नहीं लगा मुझे है। भी सी है, पीछे से पूरा बैकलेस है। बता देती हूँ मैं ये बहुत ज्यादा कम्फर्टेबल है पहनने के बाद बहुत अच्छी शेप आ रही है ये वन साइज में इसको मैं कह सकती हूँ कि हाँ अगर तुम थोड़े हेवियर हो तो ट्राई कर सकते हो क्योंकि अच्छे से स्ट्रेचेबल है मटेरियल एंड ये बहुत पहनने के बाद ना कैसे समझो बहुत ज्यादा यूनिक और अलग साइज लाइक ये पास आते स्किन टोन मेरा बदल जा रहा है तो आई थिंक रेड इज माई कलर और आप भी ट्राई कर सकते हो इस वाले को इसको मैं बोलूंगी दिस वन इज वर्थेड इसका प्राइस है थ्री सिक्सटी सिक्स रुपीज ये बहुत ही अच्छा है और मैं इसको कहीं बाहर पहन सकती हूँ या नहीं वो मैं किसी और दिन दिमाग को लगा के बैठ के सोच के देखूंगी कि क्या मैं इसको बाहर पहन सकती हूँ या नहीं एनी वे फोटो ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया जैसा फोटोग्राफ में बिल्कुल आपकी बॉडी पे वैसे ही दिखने वाला है पहनने के बाद ये भी नॉन रिटर्नेबल आइटम है तो आप इसको भी रिटर्न नहीं कर सकते सो so, अगर आपको मेरी तरह बॉडी शेप है तो तो आपको डेफिनेटली खरीदना चाहिए सीरियसली बोल रही हूँ पहनने के बाद इतना अच्छा लग रहा था ना बहुत ज्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट है ये बहुत सेक्सी है और लाइक like, कम्फर्टेबल बहुत ज्यादा है और सॉफ्ट भी बहुत ज्यादा है एंड कैसे सम्झाँ? दिस वन इज सो है मुझे इतना ज्यादा पसंद आ रहा है मैं बता भी नहीं सकती ये सच में बहुत ज्यादा हॉट है ये हर लड़की के लॉन्चरी सेक्शन में होना डेफिनेटली करता है ऑन टू द नेक्स्ट वन ये तो बहुत ही ज्यादा मुझे पसंद आया बहुत क्यूट है ये फोटोग्राफ में भी वो लड़की एंजल लग रही है पहनने के बाद ये भी बिल्कुल एंजलिक लगता है एंड ये तो टैंक टॉप नॉर्मली भी आते हैं यू गाइस नो बहुत लोगों के पास इस टाइप के टैंक टॉप होंगे भी वो अंदर आप लोग इसके अंदर ब्रा भी पहन सकते हो तब भी इसको एज अ टैंक टॉप पहन सकते हो इसके अंदर मैं व्हाइट ब्रा पहन के भी इसको पहन सकती हूँ ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया ये भी बहुत सॉफ्ट है बहुत क्यूट है और ये सिर्फ ये नहीं आया है और कुछ भी है ऑनस्टली बोलूँ ये पेंट बिल्कुल भी मुझे फिट नहीं हो रही है क्योंकि लूज है वन साइज ये भी सेम आपको वन साइज में मिलेगा तो अगर किसी का बस साइज़ हैवी है तो आप इसको डेफिनेटली खरीद सकते हो क्योंकि आप इसके अंदर ब्रा पहन सकते हो उसके ऊपर इसको पहन सकते हो एज अ टॉप बहुत क्यूट लग रहा है एंड दिस वन ये तो मुझे फिट ही नहीं हो रही है लूज है वन साइज में है और ये लिटरली दिस इज लाइक कुछ भी बना दिया उन्होंने तो इसको पेंटी नहीं कहते ये तो कुछ भी बनाया हुआ है मेरे पास और भी इस टाइप की पेंटी है लेकिन ये वाला तो सच में कुछ भी बना दिया है बिल्कुल भी फिट नहीं होगा तो आप कह सकते हो उन्होंने बस आपको ये लेस का कपड़ा दे दिया है दैट सेट पेंटी बिल्कुल भी इसकी ठीक नहीं है पर ये टॉप बहुत क्यूट है एंड इसका प्राइस भी सेवेंटी टू रुपीज ये भी आप रिटर्न नहीं कर सकते हो और ये हॉल खत्म नहीं हुआ है कुछ चीजें और हैं आजकल टॉप बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है तो मैंने अपने लिए ऑर्डर किया ये क्रोशे बिकिनी तो इसका ये टॉप है बहुत क्यूट टॉप है ये कुछ इस तरह का है ताकि आपको समझ में आ जाए एंड इसका जस्ट प्राइस है फाइव फिफ्टी नाइन रुपीज यूजली क्रोशे टॉप ही बहुत महंगे हैं एंड आई रियली लव द लुक और मुझे नहीं लगा था मुझे पसंद आएगी बट ये सच में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये भी नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट है तो आप इसको रिटर्न नहीं कर सकते हो जस्ट वेटिंग मैं इसको कहाँ पहनूँ क्योंकि ऑब्वियसली यूजली पहन के तो जा नहीं सकती हूँ बट मुझे इसका टॉप ना बहुत पसंद आया आई थिंक टॉप पता नहीं शायद हाँ और एक और चीज जब क्रॉशर टॉप वगैरह की बात आती है तो इसमें दिक्कत होती है कि वट अबाउट सीथ्रू तो अगर आप इसको अपनी बॉडी में पहनते हो तो बिल्कुल भी सीथ्रू है या नहीं है कुछ दिखाई देगा ऐसा कुछ पता नहीं चलता है क्योंकि मैंने इसको पहन के देखा है और ये बहुत क्यूट लग रही थी अभी मैं वीडियो एडिट कर रही थी तब मुझे पता चला कि आवाज ही नहीं आ रही है एनीवे anyway, वे तो मैं ऑलमोस्ट आपको सब कुछ दिखा चुकी थी बस एक चीज बाकी थी तो मैंने ये बिकनी भी ऑर्डर की थी अर्बेनिक से जो कि मुझे 300 समथिंग की मिली पहले बॉटम के बारे में बात कर लेते हैं तो बॉटम की क्वालिटी सही है अगर आपको याद होगा मैंने क्लोविया से बिकनी मंगाई थी और मैंने बोला था वो सी थ्रू है पर यह बिल्कुल सी थ्रू नहीं है इसमें आपको डबल लेयर मिल जाएगी इसका मटेरियल स्विमिंग वाला है बस इसका कट बहुत हाई है थोड़ा सा नीचे होना चाहिए था अदरवाइज ये बिकनी बहुत अच्छे से मुझे फिट हो रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे बिकनी शॉर्ट्स पसंद आए क्योंकि ये हिप टीजर वाले हैं तो कवरेज आपको मिल जाएगी यहाँ पे बस कटआउट ज्यादा कर दिया है बात कहते हैं इसकी ये मुझे बहुत पसंद आया बहुत ही कम चांस होता है कि आपको बिकनी टॉप ना एकदम आपके साइज का मिल जाए स्मॉल लिखा रहता है लेकिन एक्चुअल में उतना स्मॉल नहीं होता जितने आपके स्मॉल होते हैं सो so, मैं बॉडी शेप नहीं कर रही पर सच बता रही हूँ तो ये है स्मॉल साइज में पर ये मुझे एकदम सही से फिट हुआ है और ये एकदम परफेक्ट है मेरे ऊपर तो अगर आपका बॉडी शेप मेरी तरह है तो आप ये बिकनी खरीद सकते हो बट हाँ शॉर्ट्स में थोड़ा सा इशू है पर तो टॉप बहुत क्यूट है काफी अच्छे से फिट हो जाएगा और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी ये आपको पैडेड मिल जाएगा और ये भी डबल लेयर में सो दट सट फॉर दिस वीडियो होपाइज लाइक इट अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो कॉमेंट कर सकते हो अगर आप चाहते हो मैं इस टाइप के और हॉल लेके आऊँ तो भी कॉमेंट कर सकते हो एंड यहाँ मिलेंगे तक ले मैं भी मैं कहीं जल्दी जाने वाली हूं इसलिए मैं इतनी सारी बिकनी खरीद रही हूं तो वेट फॉर इट बाय।